सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल अबाउट डॉग्स में। इस चैनल के ऊपर मैं सारी डॉग से रिलेटेड वीडियोस, डॉग की सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस, डॉग ट्रेनिंग और बाकी जितने भी डॉग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं मैं उनके बारे में इस चैनल पर वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये होने वाली है डॉग्स के फर के ऊपर कि अभी शेडिंग का टाइम है डॉग्स का, तो अभी कितने बाल वो शेड करते हैं और मतलब कैसे उनके बालों की शेडिंग करते हैं, कैसे ब्रशिंग करते हैं प्रॉपरली, और अपने डॉग को कैसे हम रेडी रखें कि वो इतना ज़्यादा शेड ना करे और उसके बाल प्रॉपर एकदम उसका फर एकदम प्रॉपरली रहे, तो उसके बारे में आज अपन ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें वही बात करेंगे आज हम, डॉग को कैसे हम कॉम्ब करें, कैसे उसके बाल बनाएं कि वो परफेक्टली और स्मूथली रहें और अच्छे रहें। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग होनी चाहिए बाल, डॉग के बाल बनाने के लिए, सभी को पता है कॉम्ब चाहिए होता है, कॉम्ब सबसे ज़रूरी होता है। तो आप कोई सा भी कॉम्ब ले सकते हैं यूज़ में जो आपको पसंद हो, जिससे आपको मतलब सूटेबल हो बाल, मतलब इनके बनाना, तो कोई सा भी कॉम्ब चलेगा, ऐसा कोई भारी वो नहीं है कॉम्ब चूज़ करने में कि यार कौन सा करें कौन सा नहीं, तो किसी भी टाइप का कॉम्ब चलता है, बस ज़्यादा नुकीला ना हो और आपके डॉग को ज़्यादा हार्म नहीं करे, इस टाइप का ही आपको कॉम्ब चाहिए। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं नॉर्मल घर के कॉम से ही इसके बालों को बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, हे स्टे, कितने सारे बाल उड़े हैं इसके, कितना सारा शेड कर दिया ये। अभी इतने इतने बाल मुझे लगभग 3-4 दिन तक निकालने पड़ेंगे, तब जाके प्रॉपर्ली इसके सारे बाल बॉडी से निकलेंगे। देखिए कितनी पतली हो चुकी है ये बाल निकालने के बाद, ये देखिए कितना सारा शेड करा है इसने।